हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 21 जून 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। आज सबसे पहले जो एक न्यूज आई है वो एक स्पीसीज के बारे में आई है। तो एक मकड़ी की नई स्पीसीज है स्पाइडर की, उसको भी डिस्कवर किया है। ये एक्चुअली वेस्टर्न घाट में पाई गई है, आपको ध्यान रखना है, वेम्बनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि केरला में है। तो वेम्बनाड, एक सेकेंड, हाँ, वेम्बनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो केरला में, वहाँ पे इसको भी डिस्कवर है वो किया गया है। और ये जंपिंग एक्चुअली स्पाइडर के नाम से भी जानी जाती है। तो आपको मैंने कंटेक्स्ट बता दिया। इसके अलावा से यूपीएससी जैसे बेसिकली पूछेगी तो यही पूछ सकती है कि रिसेंटली मकड़ी की, मतलब स्पाइडर की नई स्पीसीज वगैरह कहाँ डिस्कवर वगैरह की गई थी। तो यही जो है ये मेनली वेस्टर्न घाट के वेम्बनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिस्कवर हो की गई है। इसके पहले इसका थोड़ा डाटा ये भी है कि देखा जाए तो ये मेनली 1868 के टाइम तक तो ये वहाँ पाई जाती थी। कहाँ पे? गुजरात में। तो ये आपको ध्यान रखना कि 1868 तक ये गुजरात के एरिया में पाई जाती थी, बट सडनली वहाँ से विलुप्त हो गई थी। तो फिर ये माना जा रहा था कि भाई ये प्रजाति है ये अब लुप्त हो गई, अब नहीं है, बट सडनली अभी ये वेम्बनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे इसको भी डिस्कवर है वो किया गया। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूट या गवर्नर रूल है वो अभी इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बारे में कुछ कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है, आपको बताइए कि बीजेपी और वहाँ की जो पीडीपी है उनके बीच में टाइज रिलेशन है वो बिगड़ गए और दोनों के बीच में जो गठबंधन था वो टूट गया है। तो अब गठबंधन अगर दोनों के बीच में नहीं रहा तो ऐसे माहौल में ऑब्वियसली लड़ाई तो होनी होनी थी। और इसलिए आपको पता है कि वहाँ पे पूर्ण बहुमत किसी के पास था नहीं, तो ऑब्वियसली उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह से सारा मामला है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब थोड़ा आपको कुछ इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह जो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उनको हम यहाँ पे जानेंगे। गवर्नर रूल, या देखो नॉर्मली किसी भी तरह स्टेट के अंदर कोई इमरजेंसी वगैरह लगती है तो तीन तरह की इमरजेंसी होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें पता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इसके तीन होती हैं। आर्टिकल 360 के तहत होती है फाइनेंशियल वाली, जो आज तक अभी लगी नहीं है। आर्टिकल 356 के जो अभी लगी है स्टेट के अंदर वो, और आर्टिकल आती है सबसे पहले 352, जो अगर कहीं भी कोई दंगा वगैरह होगा, भारी अतिक्रमण वगैरह, सॉरी अतिक्रमण नहीं, अगर कोई भी मतलब आंतरिक विद्रोह वगैरह होगा किसी भी वेपन वगैरह की हेल्प से वगैरह, तो उसको वहाँ पे काउंट किया गया। बट हमारे लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाली है वो है आर्टिकल 356 के तहत जो इमरजेंसी लगती है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखो नॉर्मल जो स्टेट होते हैं उनमें तो लगती है आर्टिकल 356 के तहत ही इमरजेंसी, बट आपको पता है कि हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दिया हुआ है और उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि है आर्टिकल 370। तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में कुछ भी काम होता है तो मैक्सिमली काम वहाँ पे आर्टिकल 370 के तहत होते हैं। और 370 का जो सेक्शन 92 है उसके तहत वहाँ पे गवर्नर रूल वो इम्प्लीमेंट किया गया। तो यूपीएससी जो पूछ सकते हैं वो यहाँ पे पूछ सकती है कि जम्मू एंड कश्मीर में इमरजेंसी के बारे में, प्रोविजन के बारे में। तो हमें ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट इमरजेंसी या जो गवर्नर के रूल की बात की जाती है वो की जाती है आर्टिकल 370 का जो सेक्शन 92 है उसके तहत तो वहाँ पे इमरजेंसी वो लगती है। क्योंकि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 370 में है, तो इसलिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो बात ये बात मेंशन होगी ना। तो ये इसलिए ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्यों होता है? कंडीशन हमें पता होता है कि स्टेट इमरजेंसी कब लगती है, जब स्टेट है वो सेंट्रल की बात है, मतलब स्टेट वो फेल हो जाता है अपने काम को करने में, उस कंडीशन में इमरजेंसी वगैरह लगाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म, जो प्रक्रिया होती है ना मैकेनिज्म, अगर उसको स्टेट ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल वगैरह हैं संविधान के उनके तहत नहीं चल रहा है, अपनी मनमर्जी कोई ना कोई ऐसे गलत काम कर रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल के जो मैकेनिज्म है वो फेल हो गई है वहाँ पे, उस कंडीशन में स्टेट इमरजेंसी वो लगाई जाती है गवर्नर के द्वारा। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इफेक्ट क्या होता है इसके? इसके इफेक्ट है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल वो आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो सस्पेंड वगैरह हो जाती है। इसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं इमरजेंसी के बारे में, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि वो डिस्कशन है वो अच्छे से हो जाए। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ क्लियर मेंशन की हुई है, अगर कोई भी स्टेट है ना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उनको ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहा है ना, उस कंडीशन में वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब हैं वो गवर्नर की हेल्प से वहाँ पे गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट है वो कर सकते हैं, मतलब स्टेट में इमरजेंसी है वो लगाई जा सकती है। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखने की किस बेसिस पे मेनली लगाई जाती है, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर वो हो जाता है। यूपीएससी बेसिकली इस पे पूछ सकती है कि भाई किस कंडीशन वगैरह में। इसके बाद में बात आती है कि जैसे अप्रूवल तो दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, अनाउंसमेंट तो कर दिया गया सॉरी कि हाँ इमरजेंसी लगानी है, बट उसको अप्रूवल भी तो मिलना चाहिए ना, तो उसका यहाँ पे टाइम लिमिट होता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट इमरजेंसी की जब बात की जाती है तो इसमें 2 महीने का टाइम लिमिट होता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर में इमरजेंसी लग गई है, तो इन आज से 2 महीने काउंट होंगे, और इन 2 महीनों के अंदर अंदर एक्चुअली लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एक्चुअली को सिंपल मेजोरिटी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना होगा तभी आगे कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज
पास नहीं करवाया गया तो उसी दिन खत्म हो जाएगी। ये बेसिकली डिफरेंस है। इसके बाद में अगर 2 महीनों के अंदर इसको अप्रूवल ले लिया, मतलब अप्रूवल का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर लोकसभा है उसने भी अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई ठीक है इमरजेंसी लगनी चाहिए, राज्यसभा ने भी कह दिया कि हाँ भाई ठीक है लगनी चाहिए, उसके बाद क्या होगा मैक्सिमम 6 महीने तक इसकी लिमिट आएगी, 6 महीने तक ये चलती है, 6 महीने के बाद वापस उसको रिन्यू करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे आप 6 6 महीने रिन्यू करोगे ना तो इसका भी मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है कि भाई आपको 3 साल तक लगा सकते हो एटलीस्ट, मैक्सिमम 3 साल के बाद तो आपको इलेक्शन करवानी ही पड़ेंगी एट एनी कॉस्ट वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली इसी कंडीशन में लगती है अगर वहाँ पे काफी कुछ मतलब माहौल खराब हो गए, इलेक्शन वगैरह नहीं करवाए जा रहे हो तो 3 साल के अंदर तो आपको सेटलमेंट करना ही पड़ता है, उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन वगैरह करवाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 356 के तहत जो इमरजेंसी लगती है उसमें क्लियर प्रावधान ये किया गया है कि भाई जो भी प्रावधान है उसकी सीधी सीधी बात है कि 3 साल के अंदर तो इलेक्शन होने ही होने हैं, मतलब 3 साल से ज्यादा वेट है वो नहीं किया जा सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि मैक्सिमम टाइम इसका 3 साल होता है, वैसे हर 6 6 महीने में इसको रिन्यू करवाना होता है, और जो स्टार्टिंग में अप्रूवल की बात होती है वो होती है 2 महीने में। तो ये एक बेसिक यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। इसके बाद में और उसका इफेक्ट जैसा मैंने आपको बता दिया कि जो सारी पावर वगैरह सस्पेंड हो जाती हैं और स्टेट का जो सारा लेजिस्लेटिव काम है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आ जाता है। तो इसके बारे में कंप्लीट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब आगे चलते हैं, अगले जो न्यूज आई है, अगला जो आर्टिकल आया है वो है ऑफशोर विंड पावर के बारे में। अभी देखो गवर्नमेंट है ना वो ऑफशोर विंड पावर है उसको प्रमोट करने के लिए और उन्होंने अपनी पॉलिसी वगैरह है वो लॉन्च की है। तो ऑफशोर विंड पावर होता क्या है? विंड पावर तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि जो हवा से जो एनर्जी बनाई जाती है, पवन जो आती है ना, आपको पता है कि पवन चक्की वगैरह लगी होती है, इनकी वजह से जो विंड टर्बाइन वगैरह लगी होती है उनसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो होती है मेनली विंड पावर। अब देखो ये होती है ऑनशोर और ऑफशोर, इसका डिफरेंस क्या है? जैसे कि ये मान लो ये यहाँ पे ओशियन है और यहाँ पे लैंड वाला एरिया है, कोस्टल एरिया लैंड वाला है हमारा, अगर लैंड वाले एरिया में मतलब जमीन वाला जो एरिया है इसके अंदर कोई भी टर्बाइन वगैरह लगाई जा रही है विंड टर्बाइन तो वो तो जाएगी ऑनशोर विंड पावर। और अगर यहाँ ओशियन के अंदर अगर आप बीच ओशियन के बीच वाले हिस्से में मतलब जो पानी वाले हिस्से के अंदर आप टर्बाइन लगा रहे हो यहाँ पे वो टर्बाइन हो जाएगी यहाँ पे ऑफशोर। अब आपको पता है कि ओशियन के ऊपर है ना फ्रिक्शन वगैरह कम होता है, मतलब घर्षण कम होता है, तो पानी की जो है उसके ऊपर हवा काफ़ी तेजी गति से बहती है, इसीलिए ओशियन वाले एरिया में हवा काफ़ी तेज आती है। मतलब समुद्र के अंदर आप जाओगे शिप वगैरह में तो वहाँ पे हवा आपको काफ़ी तेज फील होगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते हैं तो हवा का फ्लो काफ़ी तेज होता है, इसलिए जो ऑफशोर विंड एनर्जी होती है ना ये वाली जो ओशियन के अंदर टर्बाइन लगाई जाती हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है और इसकी मतलब क्वालिटी भी अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी होने का मतलब ये कि यहाँ पे हवा कंटिन्यू फ्लो करती रहती है काफ़ी तेज़ गति से, तो इसके बेनिफिट होते हैं। तो गवर्नमेंट अभी ऑफशोर विंड पावर को प्रमोट कर रही है और इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी नेशनल टारगेट भी बनाए अपने, वो टारगेट कुछ इस प्रकार है कि 2022 तक हमें 5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑफशोर विंड पावर से प्रोड्यूस करनी है और 2030 तक हमें 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करनी है। तो ऑफशोर विंड पावर आप ध्यान रखना कि क्या होती है, ऑनशोर विंड मैंने आपको बता दिया, जैसे किसी भी लैंड वाले एरिया में कोई भी पवन विंड एनर्जी लगाई जा रही है पवन चक्की वगैरह ऐसा कुछ तो वो हो जाएगी आपकी ऑनशोर, बाकी रहेंगी ऑफशोर। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री हो जाएगी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव फो लिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है नेशनल डाटा सेंटर के बारे में। तो अभी गवर्नमेंट है वो नया नेशनल डाटा सेंटर वो बनाने की कोशिश कर रही है भोपाल में, मतलब गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल तो दे दिया, तो अभी देखो कब बन के तैयार होता है। होता क्या है नेशनल डाटा सेंटर, देखो आप इसको एक एग्जाम्पल से या थोड़ा वैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, गवर्नमेंट के पास आपको पता है काफ़ी सारा डाटा हो जाता है हार्ड डिस्क वगैरह में से, काफ़ी कंटेक्ट कैसे, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम वगैरह चलानी होती हैं, तो उनके जो जो लाभार्थी हैं उनका भी डाटा रहता है गवर्नमेंट के पास। इसके अलावा गवर्नमेंट का खुद का भी बहुत सा वर्क होता है, जैसे गवर्नमेंटों की जो फाइलें हैं वो भी डिजिटल वगैरह हो गए, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं स्टोर रखने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो इसके लिए डाटा सेंटर बनाए जाते हैं जैसे कि मेल वगैरह के लिए, इन सब के लिए। तो अभी हमारे देश में 4 डाटा सेंटर तो हैं, कहाँ कहाँ है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अभी जो नया बनाया जा रहा है नेशनल डाटा सेंटर वो भोपाल में बनाया जा रहा है और ये सबसे बड़ा डाटा सेंटर होगा। मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री होगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है और मतलब बनाने वाली जो है संस्था कौन है उसका नाम है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर सर्वर वगैरह को मेंटेन करना, गवर्नमेंट्स की वेबसाइट वगैरह को, इन सबको मेंटेन वगैरह का, इन सबको आगे ले जाने का काम कौन करता है? NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, उसके द्वारा ये काम है वो किया जाता है। तो इसलिए अभी नया नेशनल डाटा सेंटर वगैरह बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि HRD का एक इनिशिएटिव है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
अब चलते हैं कि है क्या ये डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह। डिजिटल लाइब्रेरी से नाम से तो समझ में आपको कि भाई ऑनलाइन लाइब्रेरी है, मतलब वहाँ पे बुक्स वगैरह वो ई बुक की फॉर्म में होंगी, वहाँ पे आपको आर्टिकल्स वगैरह भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, वीडियोज़ वगैरह मिलेंगे, ऑडियो बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारी और चीज़ें हैं वो म्यूजिक वगैरह के साथ, जैसे कि ऑडियो लेक्चर हो गया। इसके अलावा आपको वहाँ पे कोई पुरानी स्क्रिप्ट वगैरह है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो सब आपको डिजिटल मिलेंगी ऑनलाइन, मतलब डिजिटल डाटा प्लेटफॉर्म बना दिया। जिस तरीके से आप ये समझिए कि यूट्यूब है ना, वो भी एक तरीके की डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी ही है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब में एक बार वीडियो अपलोड कर देते हैं उसके बाद उस वीडियो को कोई भी कहीं भी देख सकता है। तो उस तरीके का एक मतलब एक्सेस वाला सीजन हो गया ना, कि सारा एक बार डाटा पुट कर दिया, इसके बाद जिसको भी जरूरत होती है तो उसको अपनी एक्सेस के अकॉर्डिंग यूज है वो कर सकता है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट है वो डिजिटल लाइब्रेरी बना रही है एचआरडी मिनिस्ट्री की हेल्प से, ये कंटेक्स्ट है। अब देखो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट का एक मिशन चलाया गया था, एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो मिशन है ना, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस स्कीम में दो प्रावधान है जो है ना, NMEICT, इसमें दो प्रावधान है। एक प्रावधान तो इसमें ये किया गया है कि इसमें कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा प्रावधान इसमें ये किया गया है कि देखो जो भी डिजिटल डिवाइस होते हैं ना, फोन, लैपटॉप, टेप वगैरह, इनकी हेल्प से जो भी लर्नर, मतलब जो भी सीखने वाले लोग हैं, वो इसके साथ जो इंस्टीट्यूट है उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टडी में इसका बेनिफिट है वो उठा सकें। तो इसका मेनली काम है वो ये बेसिक काम है। तो ये जो स्कीम थी ना, आपको बताइए मैंने, NMEICT, इस स्कीम के तहत ही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। क्योंकि जैसा देखो इस स्कीम का काम क्या था, डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह बनेगी तो उसकी वजह से लर्नर और जो इंस्टीट्यूट वगैरह है वो भी आपस में एक साथ आएंगे और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो वही काम तो यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू होगा। लाइब्रेरी में क्या होगा, इसमें डिजिटल लाइब्रेरी में सारे लोग हैं यहाँ पे एक्सेस वगैरह कर सकेंगे। तो इसी का एक पार्ट है जो कि डेवलप किया जा रहा है IIT खड़गपुर के द्वारा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि IIT खड़गपुर ने इसे डेवलप किया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। काम मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज हैं उनको सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए, ताकि डिजिटल रिपोजिटरी वो बन जाएगी, म्यूजिक आर्टिकल वगैरह जो भी सारी चीज़ें लोगों को चाहिए स्टडी रिलेटेड, वो उनको कंटेक्स्ट वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपको स्कीम ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है, नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा, वो है इंटरनेशनल डिकोड फॉर एक्शन। इसके बारे में हम देखते हैं क्या है इंटरनेशनल डिकोड ऑफ एक्शन। ये एक्चुअली अभी एक वाटर के बारे में एक मीटिंग हो रही है, उसको लेके मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इंटरनेशनल डिकोड ऑफ एक्शन है क्या। वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 से 2028, ये इसके मेनली जो हेडलाइन वो है, मतलब इसका आप बोल सकते हो कि जो विवरण है वो है इसका, ये है वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 से 28। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि तजाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन है वो दोनों के द्वारा हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की जा रही है। किस पे, वाटर पे। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई वाटर, पानी है ना, देखो आज के टाइम पे आपको तो पानी की प्रॉब्लम सब जगह हो गई है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है, पानी सबके लिए काफ़ी अहम हो गया है। तो पानी को सस्टेनेबल ढंग से यूज़ करने के लिए कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे हमें कंजर्व करना है, वो सारी गाइडलाइंस वगैरह या किस किस तरीके से स्टेप उठाने हैं, कैसे कैसे हम पानी का वेस्टेज कम कर सकते हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए तजाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन ने हाई लेवल कॉन्फ्रेंस है वो भी आयोजित करने की बात है वो की गई है। तो इसको लेके अभी न्यूज़ है वो आई है। तो इसमें तो शीर्षक मैंने आपको बता दिया, इसकी हेडलाइनिंग हुआ है वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 से 28, मतलब पानी का जो यूज है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत 2018 से 28 तक इसमें काफी सारे काम वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। तो वाटर रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उनसे निपटने के लिए जो जो स्टेप्स उठानी है वो इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे हमें काम करना है उस पर भी फोकस यहाँ पे किया जाएगा। तो मतलब पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को किस यूज करना है, वो सारी बातें यहाँ पे होंगी। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो इससे और क्या बेनिफिट होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल पानी का ही फोकस किया जा रहा है। आपको बताया कि पानी पानी है केवल लोगों की लाइवलीहुड का इशू नहीं है, पानी लोगों की सोशल लाइफ से तो कनेक्ट है ही है, इसके बाद में इकोनॉमिक इश्यूज भी होते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं। पानी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का भी लॉस होने वाला है, और पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वहाँ पे इकोनॉमी भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि पानी तो बेसिक फैसिलिटी होती है ना, इसलिए कहीं ना कहीं पानी इनडायरेक्टली काफ़ी चीज़ों को इफेक्ट करता है और ह्यूमन जो ह्यूमन हेल्थ है उसके लिए काफ़ी अहम पार्ट है वो हो जाता है। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बता दूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टोटल 17 टारगेट रखे गए हैं ना, जिनको आपको पता है कि 2030 तक हमें अचीव करना है, उसमें जो छठा टारगेट है वो है एक्चुअली क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए, कि सभी लोगों को पीने का पानी है वो अवेलेबल हो, इसके साथ ही साफ सफाई है उसको भी प्रमोट किया जाए और उसको भी फोकस है वो किया जाए। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी थी पहले ही कि क्रिसला वेलुप्स है, ये एक्चुअली स्पाइडर की नई स्पीसीज है जो अभी डिस्कवर की गई है। तो इसके बारे में यूपीएससी आपको बेसिकली पूछ सकती है। तो जो इसके बेसिक पॉइंट है मैंने आपको बता दिया कि जंपिंग स्पाइडर एक फैमिली है जो कि वेम्बनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी पाई गई है। इससे पहले ये 1868 में
पेरिजी लेक है गुजरात में, वहाँ पे पाई गई थी। इसके बाद सडनली वहाँ से विलुप्त हो गई थी और अभी सडनली इसको डिस्कवर किया गया। तो ये इसके बारे में कंटेक्स्ट वगैरह था, तो यूपीएससी पूछ ले तो आप ध्यान रखना इसके बारे में। तो ये तो थी आज की माई डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। पीडीएफ आपको बता दूँ, सेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। इसके साथ ही अहम बात है कि जो फेसबुक पेज है, आप पीडीएफ प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट में थोड़ा इश्यू आ रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे वेबसाइट में पीडीएफ वगैरह अपलोड नहीं हो पा रही है। तो जो फेसबुक पेज है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।